ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। एक बार इस मंत्र को लगा दिया गया तो उम्र भर के लिए ये आपके साथ रहेगा। इसको पारिवारिक जीवन में जब मनमुटाव आ जाए, किसी भी तरह का द्वेष हो जाए, उस स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें कि जो महिलाएं हैं वो सौतन से परेशान हैं। तो इस तरह की यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको आसपास कोई भी किसी भी तरह का आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस मंत्र को कीजिए और फिर पाइएगा कि आपकी जो अड़चन थी वो देखते ही देखते ख़त्म हो गई। तो लगभग 15 साल से मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिसमें कि जो है थर्ड पर्सन किसी का घर ख़राब कर रहा है और जो पति है वो पत्नी की नहीं सुनते, बीच में अनबन रहती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 20 साल पहले मैंने ये मंत्र किसी को दिया था और इस मंत्र ने अपना काम सटीक किया। इसके पहले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाता है और ये इतना प्रभावी है कि अपना असर उम्र भर के लिए छोड़ जाता है। बहुत सारे मंत्र होते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन ये मंत्र कुछ ऐसा है कि उम्र भर आपको इसका असर दिखता रहेगा। जहाँ पर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं वहाँ पर ये मंत्र बहुत कारगर है। एक ऐसा लौता मंत्र है जो कि सटीक काम करेगा आपके लिए और ये बनाई है रिश्तों में सुधार के लिए, वो जो एक स्पार्क ख़त्म हो जाता है उस स्पार्क को फिर से लाने के लिए। और इस मंत्र में आपको कुछ निम्न प्रकार की सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी और इनको अगर आप रखते हैं और इसके बाद इस मंत्र को करते हैं तो ये स्वतः ही आपको फल दे देगा पहले ही दिन से। और उन सावधानियों में आपको गौर करने की जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को स्वच्छ रखिए। किसी भी तरह का मांस मदिरा इसका सेवन ना करें। धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी और ये जो मादक पदार्थ हैं इनको दूर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, तब जो है ये चीज़ें काम करती हैं। तो आज एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या ये जो आप मंत्र बताते हो, ये जो तंत्र आप बता रहे हो, क्या ये सच में काम करता है? तो मैंने उन भले सज्जन से पूछ लिया कि आपको क्या लगता है। तो उनका जवाब था कि गुरुजी, मुझे तो 40% विश्वास है और 60% जो है नहीं है। तो देखिए, अगर इस तरह की मानसिकता होगी और उसके बाद आप इस कृत्य को करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जब भी कभी इस तरह का कोई अनुष्ठान आप करें तो उसमें पूर्ण विश्वास रख के करें। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चलेंगी नहीं। इनको चलाने के लिए जो ईंधन लगता है वो होता है आपका विश्वास। उस विश्वास के साथ कीजिएगा तो आपका ये काम अवश्य बनेगा ही बनेगा। सत मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है, 100% आपका काम होना ही होना है। एक बार जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कर लीजिए और उसके बाद जो है आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो आपके पति हैं वो गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे, वो ठीक हो जाएंगे। दारू शराब बीड़ी ये सब छोड़ देंगे वो। जिस किसी भी तरह की अगर आप चाहते हो कि कोई शराब छोड़ दे या कोई मादक पदार्थ हो वो उसका सेवन करते हैं वो छोड़ दे, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक हवादार, एक कमरा ऐसा चुनिए जिसमें कि आप ये साधना कर सकें। 21 दिन की साधना होगी और इस साधना में आपको जो समय लगेगा वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, जिसमें कि आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपको असर दिखना शुरू हो जाए तब भी आपको ये साधना छोड़नी नहीं है। आपको लगातार जो है इस मंत्र का जाप करते रहना है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। उसके बाद जो है
आप कुछ और सोचें, क्योंकि अगर आपने इस मंत्र को बीच में ही छोड़ दिया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। इस साधना को पूरी करें और उसके बाद जो है ये मंत्र जो है लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। आपको एक कमरा जो है वो सुनिश्चित कर लेना है और उसमें आपका आसन रहेगा लाल। आपका जो आसन होगा उसे किसी भी लाल रंग का कोई कपड़ा हो वो अपने आसन पे बिछा ले तो वो लाल आसन हो जाएगा। इसमें जो है ऊनी आसन चलेगा, ऊन का कोई शॉल हो, कुछ ऐसा कुछ भी हो जो आपके पास उपलब्ध हो उसको नीचे बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। क्योंकि जब जो प्राचीन काल था उसमें हमारे जो पूर्वज हैं वो मृग चर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन अब आज के युग में वो संभव नहीं है मृग चर्म, तो आप ऊनी आसन ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी आसन लीजिए वो चल जाएगा। तो जब आप आसन का विचार कर चुके हैं उसके बाद में आपको दिशा का ध्यान करना होता है कि किस दिशा में आपका मुखमंडल रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप इसके बिना साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस तरफ से सूर्य निकलता है, उस तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। इसके बाद जो है आपको कोई सर ढकने के लिए कपड़ा लेना है, कोई भी कपड़ा चलेगा लेकिन अगर लाल रंग में हो तो अति उत्तम है। इसके बाद साधना के प्रारंभ में आपको अपने मस्तक पर टीका लगाना है। टीका लगाने से नाना प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी नहीं हो पाती, तो टीका लगाना बिल्कुल ना भूलें। और एक दिया जो है वो आपके समीप रहे, जब तक आप ये मंत्र जाप करें तब तक एक दिया जो है उसकी लौ प्रज्वलित रहे। तो इससे क्या होगा कि आपकी साधना में अग्निदेव भी साथ रहेंगे और उनको साक्षी मानकर फिर आप ये साधना शुरू कीजिएगा। इसके बाद क्या है कि जब आप कोई भी साधना जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने ग्राम देवता को, अपने कुल देवता को मनाते हैं, तो उनके लिए कुछ भी ऐसा मीठा, कुछ भी ऐसी मिठाई या फिर कोई फल जो ऋतु फल होते हैं वो आप रख सकते हैं, और उनसे आज्ञा लीजिएगा कि आप ये साधना कर रहे हैं इसमें आपको सफलता प्रदान करें। ऐसा करने से आपकी जो साधना है वो सफल, समझिए कि सफल हो ही गई है, क्योंकि जब कभी साधना सफल नहीं होती तो उसमें जो ग्राम देवता हैं या जो कुल देवता हैं ये दो देवता ही हैं जो टांग अड़ाते हैं, बाकी तो आपकी साधना सफल हो ही जाती है। तो आपको इन दोनों को प्रसन्न करने के बाद अपना मंत्र जाप शुरू करना है। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र है ओम लकीम लकीम, पति का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको गुम्फन करना है, जाप करना है 1008 की संख्या में, यथासंभव जितना हो उसके, अगर आप 108 करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 1008 का इसका नियम है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो कम से कम 10 माला, 12 माला, 11 माला इसकी करें, तब जाकर ये आपको असर दिखाएगा। और इसमें सावधानियां कुछ ऐसी रखनी होगी कि मांस मदिरा का कभी भी सेवन ना करें इस साधना के दौरान, वरना आप लाभ की जगह हानि भी पा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सावधानियां रखकर, पूरा विश्वास रखकर तब इस मंत्र की साधना को कीजिएगा, तो आपको जो है चमत्कार दिख जाएंगे, जहां अंधेरा था वहां प्रकाश हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा गति से आपको जो आपका मनोरथ है वो सिद्ध करके दे देगा। मैंने लाखों लोगों पर यह आजमाया है और उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ, लगभग 20-25 साल पहले मैंने ये किया था, और जिसको मैंने ये दिया है वो बस इसके गुण ही गा रहे। और इसके बाद जो है आपको तंत्र में विश्वास हो जाएगा, मंत्रों में विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारी जो प्राचीन कला है वो आज भी जीवित है, आज भी हम घर बैठे बैठे किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं दिखता तब तक आपको विश्वास नहीं होता। तो एक बार इसको कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी आपको इसका असर दिखा, क्योंकि
कुछ मेरे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिन्होंने ये बताया है कि गुरुजी पहले ही दिन से हमें असर दिखना शुरू हो गया था। तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना तो मुझे विश्वास करना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी श्रेणी में शामिल हों और आप भी मुझे बताएं कि हाँ गुरुजी सच में ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आए, मंत्र समझ में ना आए, अगर आपको लिखित रूप में चाहिए तो जाइएगा sirstops.com पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ चले जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको इस मंत्र की पूरी डिटेल मिल जाएंगी। साधना में अगर कोई सामान ना मिल रहा हो तो वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी हो तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, व्हाट्सएप कीजिएगा क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।